कौन सा जाने के लिए टिकट काटा 1100 कितना है 1140 हेलो गाइस गाइस हम तीनों जा रहे हैं कौन सा यानी कि तिरप तो कौन सा पे जा रहा हूँ आज रात को हम लोग का प्रोग्राम है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल होने वाला है वहाँ में तो हम लोग प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं इसका नाम है सूरज जो इसका मतलब आलो में डांस एकेडमी है ये एक डांस टीचर है और इसका नाम है राजीव ये भी एक डांस टीचर है इसका पासीघाट में डांस एकेडमी है वेलकम तो कौन सा जाना पड़ेगा बहुत दूर चेकिंग गेट चेकिंग कर रहा है सबको कोई बंदूक संदूक तो लेके नहीं जा रहा है दोस्तों ये कौन सा का रास्ता है ना क्या है आधा मरा होके तो आ ही रहे हैं इतना रास्ता खराब पूरा रास्ता हिल हिल के आ रहा हूँ पता है इतना रास्ता खराब है वाह आखिर इतना हिल हिल के रास्ता इतना खराब है रास्ता इतना खराब है वाह फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वो जो चमक रहा है वो है कौन सा और देखो ना गाड़ी इतना रास्ता खराब वो जो चमक रहा है वो है कौन सा वाओ ऐसा लग रहा है कि किसने डायमंड फेंक दिया हो मतलब ऐसे कुछ मतलब डायमंड मतलब उग रहा है जैसा लग रहा है इतना मतलब सुंदर अच्छा कहाँ से हो चलो हम लोग रेडी हो रहे हैं फील्ड में जाने के लिए मैं बचपन से मुझे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है दिखता है वो मैं दिखता है जो भी गाना बजाते वो चिल्लाना शुरू करते थे ए गिरे या ऑफ कोर्स सो ही इज हियर यू आर गोना एंजॉय द होल नाइट जाने वाला हूँ स्टेज में दिखा रहे मैं ऑडिशन को बाबरी साहब कौन सा तो एकदम दूर ही मत कहा में आ गया हिंसा लग रहा है आप लोग कैसे हो अच्छा मेरा एक फाइटिंग होता दिखा कि नहीं एक पतली के साथ कौन से दुनिया के प्राणी थे जो यहाँ पे नोटिस का बंदा को छेड़ा था मैंने भी लगा लिया धंधा दोस्तों आज क्या करूँ बातें करूँ ना डांस करूँ ना नाचूँ ना गाऊँ ना क्या करूँ क्या करूँ दूसरा बात आई है अभी आप लोगों को मेरे साथ ही डांस करना पड़ेगा आप लोग ओके ग्रीन सिग्नल आते रहेगा पहले एक एक फूंका लगा लेते हैं ताकि आप लोग का मन भी फिर से भी ठंडा है गर्म कर देते हैं थोड़ा बहुत फूंका लगा देते हैं उसके बाद आते रहेगा गाने गाने के लिए बीच में मैं भी एंट्री मारते रहूंगा ग्रीन सिग्नल पूरा एंजॉय करना पड़ेगा पूरा एंजॉय करना पड़ेगा
उसका ब्लॉग में आएगा ये वीडियो, आप लोग देख लीजिए पब्लिक कितना जमा है, लाइक इस तरफ इस तरफ नहीं, इसके लिए कुछ भी क्लियर नहीं है। उनका पोस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, साउंड से आप पता मालूम करवा सकते हो कि कितना पब्लिक होगा यहाँ पे, एकदम क्रेजी है आप देख सकते हो। अभी मोनू का डांस स्टार्ट होगा, ऑडियंस चिल्लाता है तभी आगे का दिल धड़कता है। करना चाहेंगे जो नुक्ते कोड है वो आपको पहनाना चाहेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट कल जो सके अभी मुझे कैसा लग रहा है बोलिए। मोनू तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने ये जो जर्नी शुरू की थी वो टिकटॉक से शुरू किया। सो गाइस अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा है, कुछ एक्टर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोनू को, आप देख सकते हो कॉमेडी जो आंसर होता है आपको सबको पता है कि कितना अच्छा होता है, आप देखिए सबको हंसाने के लिए। वाओ गाइस, यहां से भी एक बार सुन लेते हैं हैप्पी लव यू कौन सा, अब लोग बड़ा टिकट का इंतजार करते हो कि नहीं? ओह माय गॉड, मेरा दिल से दूसरा सवाल हमारा। ओके अच्छा, आपने राखी साहब के बारे में तो बता दिया, तो आपने आपके ब्लॉग और ये सब में देखा कि आपके साथ कुछ ना कुछ ये दीपक कलाल ना, राइट, दीपक कलाल के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता, वो क्या था वो सीन थोड़ा सा दोहरा के हमें बताए ना। अरे यार टकले के बारे में क्या बताऊंगा, आप तो सबके भूखे पेट में आंस नहीं मुंह में दांत नहीं, नोटिस का जबान तो छेड़ता है, दुनिया वाले लोग सबसे छेड़े, दीपक कलाल दिल मुंह में जिसको भी छेड़े आई डोंट केयर, मैं नोटिस का हूँ, ये वो मुझे क्यों तो भाई लड़ा दीपक कलार को ऊपर से नीचे तक पूरा थमा के रख दिया भाई, अपने मेरा हाथों में है दीपक कलार, अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट में आगे मैं लगाऊ क्या उसको लगाओ डिमांड है तो मैं एक बार लगा के देखता हूँ आप लोगों का रिक्वेस्ट। ओके रुको, कहाँ गए यार दीपक कलाल, दीपक कलाल एक नंबर का कलाल, दलाल एक नंबर का दलाल, आपकी सबके भूत थे पेट में आंस नहीं मुंह में दांत नहीं, आज आ यार बहुत इसमें औकात है तो, और री हो रहा है, री हो रहा है, आजा दीपक आजा 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 आजा, यहाँ पे कोला होने से बहुत ही मजा था यार। देखो गाइस टूट टूट बस रहा है,
वाओ वाओ, कौन सा का रास्ता बन जाएगा, फिर से आऊंगा मैं, तब मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मैं दीपक कलर को मैं कॉल के साथ आप सभी को बन कराऊंगा, ठीक है। और गाइस क्या कितना हेलो गाइस सुनते रहोगे, गाना सुनना चाहोगे? लेंजिंग ने तो भाई धूम मचा के गया है, लेंजिंग ऐसा धमाका परफॉर्मेंस देके गया है, मैं वहां पे देख के करके देख रहा भाई। यहाँ पे आप सब लोग डांस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, मैं वहां पे अकेले ऐसा थोड़ी को ऐसा करके कहां से यार डांस कर पाता, लेकिन यार क्या करो यार, वहां पे वहां से देख रहा हूँ ना डांस कर पता ना हिल पाता, कुछ भी हिल नहीं पा रहा हूँ, जितना हिलना था गाने में ही हिल हिल के आ गया भाई। गाना गाऊं क्या? मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो आज। सुनो गाइस मैं एक बात बोलूंगा, हाँ जिंदगी का बात, मांग लो किसी से माफी, कर दो सभी को माफ, कहाँ पे जाओगे इस ईगो और घमन को लेके, जिंदगी में वक्त बहुत ही कम है, बिगड़े हुए रिश्ते को संवार लो, खुल के जियो अपना जिंदगी, जहां पे मौका मिले वहीं पे डांस करो, जहां पे जो करने के लिए दिल मिले वहीं करो, बस इतना ध्यान रखो कि आपके वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, ठीक है गाइस। जिंदगी देखो मृत्यु मरण और जीवन हम लोगों का हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बीच में कैसे जीना है हम लोग का हाथ में तो है ना वो। आज जो जो लोग डिप्रेशन में हैं, हाय भाई यार मेरा जिंदगी इतना खराब है, मैं गर्लफ्रेंड का चक्कर में मर गया हूँ, ये मेरे ब्रेकअप दे दिया है, मेरा शक्ल इतना गंदा नहीं है, अरे भाई किसी किसी को वो भी जिंदगी मिलता नहीं है, आज ही कह दो अपना जिंदगी को आई लव लव यू जिंदगी, एक बार बोलो लव यू जिंदगी, वाओ। और एक बार बोलिए, मुझे लगता है कि कौन सा आज पूरा हिलने वाला है। अपना जिंदगी को अपने आप को प्यार करने के लिए शुरू कर दो, क्योंकि अपना सपना खुद को ही पूरा करना है, अपना जिंदगी को खुद को ही संभालना है, ठीक है। तो मैं गाना गाऊंगी नहीं, सब लोग प्यार तो क्या होगा, मुझे लगता है कि प्रपोज तो ज्यादा लड़का लोग ही मरता है, लड़की लोग तो पूरा इशारे पर के घूमता है, लड़की लोग तो पूरा घूमता रहता है, मुझे कौन लान मारेगा आज, आज तो मैं पूरा लड़का लोग सोचता होगा कौन बताएगा, है कि नहीं। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, लड़की लोग लड़का अगर पताना है ना तो बस्ती का लड़का बताओ, बस्ती का लड़का लोग क्या था, टाउन का लड़का लोग क्या था, टाउन का लड़का लोग मतलब यू नो जिम मारते हैं साइकिल जाके, गाड़ी से जाके जिम मारते हैं, हम लोग बस्ती का आप लोग एंटरटेन की तो कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, आप भी कुछ, मैं जाऊं ना मैं फिर से आऊं, बहुत ही ज्यादा मजा लग रहा है यार, अरे यार ट्रैक वाला भैया मैं ट्रैक देता हूँ लगा तो ट्रैक लगाएगा, मुझे फिर से मुझे इतना प्यार कर रहे कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, अरे यार कैसा कॉल आ गया, दीपक का दल को तो नहीं आ रहा है, अरे कुंदन का आ रहा है, कुंदन को जानते हो कि नहीं, हाँ अच्छा बात मेरी सिर्फ कहूँगा, ठीक है गाइस क्या पता वो पर्सनल बात भी बोल दे कुछ, ओके गाइस तो मैं गाना गाऊं, गाए देता हूँ एक ए लगाऊं भाई तेरे कारे की सुनाए, हाँ तो बात को ओपन कर लेगा क्या, जल्दी करो यार सर, ओके ओके पान का एक घुटी दो मुझे, एक घुटी एक लीटर पानी, हो गया ओके, गिलास खोल दो यार पिला दो, लड़के लोगों को पिला सकते हो, मोरू को पिला दे क्यों नहीं पिला सकते, क्या हो लड़का लोगों को बियर, दो दो लोग बियर पहले नहीं पीता था उन लोगों को पिला सकता है ऐसे, लेकिन पानी पिला बोले से कोई नहीं पिलाएगा आज का दुनिया में, रुको गाना निकाल लेता हूँ, ए क्यों आएगा कि नहीं यहाँ तक आएगा, ओके आज मैं गाने वाला हूँ बहुत एक रोमांटिक गाना,
जो आप लोगों का दिल को ऐसा टच करेगा कि जिंदगी भर में याद रखेगा कि हाँ मनोविदों में देवरी आया था और मेरा दिल को मेरा प्यार को लैला मजनू बना के चला गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी है जवान जवानियां है ओके हो गया कि नहीं रेडी हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं 1 2 3 go सबको सामने खुद के बताएगा ठीक है बताओ सुन सानी प्रोग्राम से आ गया अभी एक होटल पे है और यार आप लोग तो कैसे भूल सकते हो हम लोग का आफ्टर लाइफ को आफ्टर लाइफ रिलीज हो रहा है क्या पता नहीं यार कौन सा नरक में चला गया ना स्वर्ग में चला गया वो फिल्म प्रोड्यूसर का तो कॉल नहीं आया ना वो तो मुझे झगड़ा हो गया ना झगड़ा हो गया क्या पता नहीं यार मुझे टारगेट ले रहा है सभी लोग मैं तो हेलो गाइस हूं मैं तो किसको क्या कहूंगा अभी और आपको वैसे परफॉर्म करेंगे कौन सा कैसा लगा कौन सा के लोग बहुत ही अच्छे हैं दिल के सच्चे हैं मन के पक्के हैं वादे के पक्के हैं तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा लेकिन यहाँ पे रास्ता इतना ख़राब है फिर भी आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और सभी लोग यहाँ पे हैं और हम लोग का डोमिन भैया भी यहाँ में है मुझे भी बहुत अच्छा लगा कौन सा तो गाइस अभी हम लोग प्रोग्राम करके आ गया है आने का बाद अभी होटल पे है यहाँ पे ऑडियंस है 1 2 3 4 5 तो आपको कैसा लगा परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा आपको कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा प्यार मिला ना बहुत मतलब खुद को सलमान खान वाला फीलिंग आ रहा था आपको ऐसा वाला फीलिंग नहीं है शाहरुख खान वाला फीलिंग हाँ मुझे एक्चुअली मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके रोड बहुत ख़राब है ना हाँ रोड तो बहुत ख़राब है और
क्या बोलते हैं बहुत दिनों के बाद मिला हूँ, मतलब हम लोग का लास्ट मीटिंग था, लास्ट हम लोग का मीटिंग था जीरो में। उसके बाद मैं चला गया था मुंबई, मुंबई से दिल्ली, जान बचा लाखों पाए, फिर से ईश्वर की कृपा से फिर से मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और दो तीन लोग मेरा चैनल पे इसका और मेरा दुश्मन नहीं, मतलब ये मेरा दोनों का बीच में झगड़ा ये पैदा किया था आलतू फालतू बोल के, कान खोल के सुन लो हम लोग दोस्त है ठीक है, तुम लोग जितना भी आप सारा बोलो हम दोनों का दोस्ती कभी टूटने वालों में से नहीं है, हम लोग का इतना सस्ता दिल नहीं है, सस्ता दिमाग नहीं है, हम लोग का इतना सस्ता दोस्ती नहीं है। जिसके साथ मोनू भी कमेदरी दोस्ती करता है, जिसके साथ लेंजिंग दोस्ती करता है, एकदम तगड़ा से करता है, ऐसा दोस्ती कि दुनिया भर के मिसाल बन जाए, लैला मंजूरी की तरह नाम रह जाए।